मनुष्य हमेशा से ही रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटाने की जब बात होती है तो कभी पौराणिक गाथाओं को साक्षी मान इस रहस्यों के ऐतिहासिक महत्ता के नब्ज को टटोलने की कोशिशें की जाती है, तो दूसरी तरफ विभिन्न वैज्ञानिक कसौटियों पर इस रहस्यों को परखने की कोशिशें होती है। कभी ये कोशिशें वैज्ञानिक खोजबीन की पारंपरिक पद्धति से होती है तो कभी आकस्मिक ही हो जाती है। जब कभी यह प्रथम दृष्टया आकस्मिक भी प्रतीत होती है तो उसे वैज्ञानिक पद्धतियों से ही अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आज हम भीमबेटका के शैलचित्र एवं शैलाश्रय से जुड़ी रहस्य के पौराणिक एवं वैज्ञानिक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो रोचक होने वाली है, इसलिए अंत तक देखें। पौराणिक कथा के संदर्भ में जब भी भीमबेटका की चर्चा होती है तब मान्यताओं के अनुसार यह स्थान महाकाव्य महाभारत के मुख्य चरित्र भीम से जुड़ा हुआ पाया जाता है। वैसे भी भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ भीम के बैठने की जगह से है। भीमबेटका के रहस्य का दूसरा वैज्ञानिक पहलू पुरातत्वविदों द्वारा इसकी खोज है। सर्वप्रथम सन 1888 में ब्रिटिश भारतीय अधिकारी विलियम किनकेड ने भारतीय पुरातात्विक दस्तावेज में उस क्षेत्र के आदिवासियों से बातचीत के आधार पर इसे बौद्ध स्थल के रूप में बताया है। वर्ष 1957 में भारतीय पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर श्रीधर वकानकर ने अपने भोपाल यात्रा के क्रम में आकस्मिक ही पत्थरों को तराशा, लेकिन बाद में अपनी टीम के साथ मिलकर कई सारी पूर्व ऐतिहासिक शैलाश्रयों अर्थात प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स को खोजा। पुरातत्वविद डॉक्टर वीडी वाकानकर जी को सरस्वती नदी की खोज के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं सब अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था संस्कार भारती ने उनके जन्म शताब्दी वर्ष 4 मई 2019 से 3 मई 2020 तक मनाने का निर्णय लिया था। भीमबेटका की रहस्यमय गुफाएं, जिसे भीमबेटका और भीमबेटका रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक पुरापाषाणिक पुरातात्विक स्थल अर्थात प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट है। यह भारत के उत्तर पूर्व में 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका, जो कि 50 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला में कुल 7 पहाड़ियों विनायका, मोरावाली, भीमबेटका, लाखा, ज्वार, मोंद्रा और मुनि बाबा की पहाड़ी में से एक है। भीमबेटका की पहाड़ी पर 750 से अधिक रॉक शेल्टर्स हैं, जिसमें 243 भीमबेटका समूह से हैं एवं 178 लाख ज्वार समूह से है। इस रॉक शेल्टर्स में से लगभग 400 से 500 में पेंटिंग्स हैं, जिसमें से केवल 15 रॉक शेल्टर्स ही पर्यटकों के लिए खुले हैं। भीमबेटका विंध्य पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इन पहाड़ियों के दक्षिण में ही सतपुरा पहाड़ियों की क्रमिक श्रेणियां हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है। यह पूरा गुफा क्षेत्र सागवान और शखुआ पेड़ों से अटा पड़ा है।
दोस्तों, भीमबेटका हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत के बारे में बहुत कुछ बताती है। भीमबेटका की गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों अर्थात रॉक पेंटिंग्स एवं शैलाश्रयों अर्थात रॉक शेल्टर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रॉक पेंटिंग्स पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। पेंटिंग में उपयोग किया जाने वाला रंग भी वानस्पतिक है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि इन पेंटिंग्स में मुख्यतः लाल एवं सफेद रंग के अलावा हरा एवं पीला रंग भी उपयोग किया गया है। इन रंगों को बनाने के लिए मैग्नीज हेमेटाइट सॉफ्ट रेड पत्थर के चूर्ण चारकोल चर्वी एवं पत्तियों के निचोड़ का उपयोग किया गया है। इन रंगों की विशेषता ही कहा जाए कि युगों युगों से बनी पेंटिंग वर्तमान में भी वैसी ही हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये भी कहती हैं दोस्तों कि पेंटिंग के जरिए आदि मानव दैनिक क्रियाओं जैसे शिकार नृत्य संगीत तथा जानवरों जैसे बैसान चीता शेर हाथी कुत्ता घड़ियाल इत्यादि को पत्थरों पर बारीकी से उकेरा है। भीमबेटका का इतिहास और भी रोचक हो जाता है जब इसके आसपास के 21 गांवों की परंपराएं एवं रिवाज यहां की रॉक पेंटिंग से मिलती हो। यहां खोजी गई ड्राइंग एवं पेंटिंग को कार्बन डेटिंग पद्धति के परिणाम स्वरूप 7 कालखंडों में बांटा गया है। पहला भाग अपर पाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक, दूसरा भाग मध्य पाषाण काल अर्थात मीजोलिथिक, तीसरा भाग चैल्कोलिथिक, चौथा एवं पांचवा भाग प्रारंभिक ऐतिहासिक अर्थात प्री हिस्टोरिक, छठा एवं सातवां भाग मध्यकालीन अर्थात मिडाइवल। यहाँ पर अन्य पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं जैसे किले की दीवार, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, लघु स्तूप, शंख के अभिलेख, परमारकालीन मंदिर के अवशेष। दोस्तों, परमारकालीन मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है जिस पर हम अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब भीमबेटका से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य साझा करने जा रहा हूँ। पहला, जू रॉक। इसमें पेंटिंग्स की मदद से कई सारे जानवरों एवं उससे जुड़े क्रियाकलापों को रॉक पर उकेरा गया है। दूसरा, भीमबेटका से मिलती जुलती 3 अन्य रॉक शेल्टर्स पूरी दुनिया में हैं। पहला, ककाडू नेशनल पार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा, केव पेंटिंग ऑफ बुशमैन जो कि कालाहारी डेजर्ट में है। तीसरा, अपर पेलियोलिथिक लशियो केव जो कि फ्रांस में है। तीसरा, 1990 से यह प्रोटेक्टेड साइट भारतीय पुरातत्व विभाग के रखरखाव में है। चौथा, वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा भीमबेटका रॉक शेल्टर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। पांचवा, यह भारत की सर्वोत्तम पुरातात्विक खजानों में से एक है। छठा, यहाँ 39 मीटर लंबी एवं 17 मीटर ऊंची स्टोन एज असेंबली हॉल है जिसे ऑडिटोरियम केव भी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि दोस्तों, इसी जगह एंशियंट आर्टिस्ट एक साथ अपने गुरु द्वारा पेंटिंग लेक्चर को सुनते थे। सातवां, टॉर्टोइस रॉक। यह टॉर्टोइस शेप में बनी रॉक स्ट्रक्चर है जो पर्यटकों का भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। दोस्तों, अगर आपको भीमबेटका रॉक शेल्टर के रहस्य से जुड़ी ये वीडियो अच्छी एवं रोचक लगी तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।